नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उन्नाव एसपी दीपक भूकर की कार्यशैली सख्त, लापरवाही बरतने में 14 दिन में 14 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। उन्नाव के हरियाणा राज्य के निवासी 2016 बैच के आईपीएस दीपक भूकर ने 13 सितंबर को उन्नाव के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभालते ही अपनी सख्त कार्यशैली के लिए चर्चित होना शुरू कर दिया है। उनके कार्यकाल के पहले 14 दिनों में ही 14 पुलिस कर्मियों की लापरवाही के कारण निलंबित किया गया है, जो कि जिले के पुलिस विभाग में एक नया संदेश लेकर आया है। एसपी का यह कदम न केवल पुलिस कर्मियों के लिए एक चेतावनी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे कानून व्यवस्था को गंभीरता से लेने के लिए प्रतिबद्ध है। एसपी दीपक भूकर की कार्यशैली के अनुसार माने तो उनकी प्राथमिकता जिले में सुरक्षा और अपराध नियंत्रण को सुनिश्चित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही से कोई घटना होती है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। विशेषकर चोरी और लूट की घटनाओं में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनकी सख्ती का परिणाम यह है कि रात्रि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों ने गश्त को अधिक प्राथमिकता देनी शुरू कर दी है। उन्नाव में हाल ही में हुई कुछ प्रमुख चोरियों और लूट की घटनाओं के बाद एसपी ने विशेष जांच के आदेश दिए। उन्होंने खुद इन घटनाओं की समीक्षा की और पाया कि कई मामलों में पुलिसकर्मियों ने अपना कार्य सही तरीके से नहीं किया। इसके बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। यह कदम जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है। अब पुलिसिंग में बदलाव के आसार। एएसपी और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक में एसपी भूकर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगर कोई घटना होती है तो बीट के सिपाही भी जिम्मेदार होंगे। इसे यह संदेश जाता है कि पुलिस की सभी रैकों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उनके इस अल्टीमेटम के बाद स्थानीय पुलिस कर्मियों में एक नई जागरूकता देखने को मिली है और वे अपने कार्य में और अधिक सजगता से जुट गए हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल आरपीएस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।